बिल्कुल एक नई चीज़ जो आपने शायद बहुत कम दफ़ा बनाई होगी या तो नहीं बनाई होगी, उसका एक सही तरीका बताने जा रहे हैं आपको कि रूआफ़ज़ा मिल्क को कैसे बनाते हैं। लोग जनरली पानी में रूआफ़ज़ा पीते हैं, पर आप मिल्क में जब उसे बना के पियेंगे तो इसका एक डिफरेंट टेस्ट आएगा, एक डिफरेंट फ्लेवर आएगा और एक अलग ताकत आएगी। तो ये देखिए, इसके लिए हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा शक्कर रख लेते हैं। ये हमने रूआफ़ज़ा की बॉटल ली हुई है, ये हमने दूध लिया है, ये हमने आइस क्यूब्स लिए हुए हैं। ये देखिए 4-5 आइस क्यूब्स ले लिए क्योंकि हमें एक ही गिलास बनानी है, और एक गिलास हमने रख लिया यहाँ पे। तो दानी जी क्या करेंगे आप, पहले पहले हम मिक्सर में दूध डालेंगे। पहले मिक्सर में एक 200 ग्राम के आसपास दूध डाल लेते हैं। ये देखिए पूरा दूध डाल लीजिए। इसके बाद हम इसमें रूआफ़ज़ा डाल लेते हैं कुछ 5-6 चम्मच, जो कि मेरे ख्याल से इनफ हो जाएगा आपके लिए। रूआफ़ज़ा में एक्चुअली में ये हमने 2-3 चम्मच डाला है और इतना ही सफिशेंट हो जाता है। अगर आपको ऊपर से शक्कर की जरूरत पड़ी तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा है, इसमें सफिशेंट मात्रा में शक्कर होता है। और उसके बाद हम इसे आइस क्यूब डाल देते हैं, 3-4-5-6 आइस क्यूब्स, ताकि हमारा जो रूआफ़ज़ा है वो पूरा ठंडा किए। हम इसे ढक्कन से बंद करते हैं और फिर हम इसे मिक्सर पे चढ़ा देते हैं और हम इसे हिला इसे ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बर्फ के टुकड़े हैं, ताकि बर्फ के जो टुकड़े इसके अंदर है वो अच्छे से फूट जाए और पूरा उसके अंदर मिल जाए। और ये जो आपका रूआफ़ज़ा है वो ऑलमोस्ट रूआफ़ज़ा मिल गया है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसे उतार लेते हैं और इसे हम ये देखिए हम इसे ढक्कन खोल के जो हमारा ग्लास है उसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रूआफ़ज़ा मिल्क रेडी है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो आप केसर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन शायद अच्छा नहीं होगा। तो एज इट इज़ ये रूआफ़ज़ा आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा और आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके पेट को ठंडा रखेगा, आपके मस्तिष्क को ठंडा रखेगा, और ये गर्मियों में कमाल की चीज़ है। तो ये है आपका रूआफ़ज़ा मिल्क। तो धन्यवाद।